ओम शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग में जब हम कर्म ही अच्छे कर रहे थे, कर्म ही हम सतो प्रधान कर रहे थे, उसके बाद भी हमारी बैटरी क्यों डाउन हुई? फिर बैटरी तो डाउन नहीं होनी चाहिए थी ना, अच्छे कर्म करने से तो बैटरी चार्ज होती है, और आप कहते हो कि बैटरी डाउन हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो हमारी बैटरी डाउन क्यों होनी चाहिए? हमारी तो बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो यहां हम देखेंगे, जब सतयुग होता है तो सबसे पहले जो आत्माएं आती हैं वो 100% पवित्र होती है। सतयुग में सभी आत्माएं 100% पवित्र होती हैं आदि में, परंतु उसके बाद वो आत्माएं पतित होती है। जैसे कोई भी चीज नहीं बनी है उसकी डिग्रेड होना ही होना है, आत्मा भी पतित होती है, उसके साथ साथ ये नेचर भी पतित होती है। उस पतित होने के कारण ही कर्मों में उतनी पवित्रता नहीं रहती जितनी पवित्रता होनी चाहिए। अब कलयुग के अंत में हम थे बिल्कुल पतित थे, थोड़ा हमारे अंदर पवित्रता आई तो हमने अच्छा कर्म किया, तो वो उस पतित कर्म से तो अच्छा हो गया ना, और पवित्र बने और अच्छा कर्म किया, और पवित्र बने और अच्छा कर्म किया, जिससे हम और सुधरते चले गए। परंतु जब हम है ही तमो सतो प्रधान, और उसके बाद सतो प्रधान में जब गिरावट आएगी तो हमारे कर्मों में भी गिरावट आती जाएगी, बोल में व्यवहार में गिरावट आती जाएगी। इस प्रकार से जो गिरावट आती जाएगी उससे हम धीरे धीरे गिरते हैं। जैसे जैसे बैटरी डाउन होती जाएगी आत्मा की कार्य कुशलता में भी अंतर आता जाएगा, और फिर द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में कैसे सिस्टम चलता है कि हम धीरे धीरे गिरते गिरते कलयुग के अंत तक बिल्कुल तमो प्रधान हो जाते हैं, हमारे पास पवित्रता नाम की चीज नहीं रहती है। तब परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते और फिर हमें पावन करने की ट्रेनिंग देते, बीच में आकर नहीं देते, बीच में देने का कोई नियम नहीं है। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।